अच्छा 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 हाँ हाँ। और यहाँ पे वो इंडिकेटर है, कई बार कोहरा आ जाता है तो ट्रैफिक यदि हाईवे से गुजरो तो उनको इंडिकेटर करता है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो मैंने पूरे उत्तराखंड को पार किया, उत्तर प्रदेश को पार किया, बिहार को पार किया और आपके झारखंड। सब गाइज कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं अपने कॉलेज आया था, तो जब मैं कॉलेज आया तो वहाँ पर देखा कि एक पर्सन आए हुए हैं जो कि अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की यात्रा कर रहे हैं। तो मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिला जाए और आप लोगों को भी मिलाया जाए। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं और चलते हैं, आपको सीधे उनसे मिलाते हैं। और तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे सर अतुल सर। थैंक यू। तो अतुल सर, पहले आप अपना एक इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम अतुल कुमार चौक से है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ, साथ में एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ। मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। इसमें मैंने दुनिया के 35 इंटरनेशनल इवेंट में हिस्सा लिया हूँ, 71 नेशनल इवेंट में लिया हूँ, जिसमें मैंने थार रेगिस्तान को अपने कदमों से पार किया है, सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में तिरंगा लहराया है। इसके अलावा मैंने सियाचिन के पास नूब्राबंदी से लेह लद्दाख दौड़ा। ऐसे मैंने दुनिया के बहुत ही अनटच एरियो में रहा हूँ। फिलहाल मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, मैं गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से राष्ट्रीय नदी गंगा जी का उद्गम होता है, वहाँ से मैं पैदल आ रहा हूँ। अपने साथ ये कुछ 180 किलो का लगेज लेकर, ये अच्छा, जो आप अच्छा। देख रहे हैं, ये मेरा इसमें टेंट है, राशन है और वैज्ञानिक उपकरण है, मेडिकल किट है, हर वो एक सामान है जो एक व्यक्ति को सर्वाइव करने में मदद करते हैं। तो मैंने पूरे उत्तराखंड को पार किया, उत्तर प्रदेश को पार किया, बिहार को पार किया और आपके झारखंड में साहिबगंज में हूँ अभी। अब इसके आगे मैं राजमहल नाम के स्थान में पहुँचूँगा। हाँ, फिर उसके बाद आपके वेस्ट बंगाल को पूरा पार करूंगा और गंगा सागर में अपनी यात्रा समाप्त करूंगा। अभी लगभग मैं 2810 किलोमीटर आया हूं और 1100-1200 किलोमीटर और आगे जाना है। ये जर्नी का मेरा उद्देश्य है कि हमारे राष्ट्रीय नदी गंगा जी प्रदूषण मुक्त हो। तो आप लोगों के बीच में यही संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग गंगा किनारे रहते हैं तो माँ गंगा की सेवा करें, उनको प्रदूषण मुक्त रखिए। और साथ में आज दुनिया में बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षा में जीते हैं, लाइफ में कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनकी आड़ में या तो नशा करते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, लाइफ के कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, कोई चीज़ आपसे ज़्यादा मायने नहीं रखती। अपनी कदर करें, अपना इम्पोर्टेंस को समझे और माँ गंगा की सेवा करें। यही उद्देश्य को लेकर मैं 4000 किलोमीटर 170-180 किलो लगेज के साथ पैदल चल रहा हूँ। थैंक यू सर हैं और अपने इसका इंट्रोडक्शन देंगे, ये क्या है, कैसे है। ये यहाँ पे जो लगा है ये है सोलर पैनल। अच्छा। सोलर पैनल से मेरे यहाँ कैमरे लगे रहते हैं, कैमरे चलते रहते हैं। अच्छा। इसमें कुछ वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनके लिए भी लाइटों की जरूरत पड़ती है, वो सोलर पैनल से चलते हैं। और इसमें जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे वाला जो बैग है, इस बैग में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट सामान रहते हैं, जैसे वैज्ञानिक उपकरण। अच्छा, है, मेडिकल किट है और भी जो कीमती सामान है वो है। इसमें मेरे टेंट रखा हुआ है, इसमें मेरा ये बिस्तर है, इसमें एक बैग में राशन रहता है, एक अच्छा। बैग में बर्तन गैस रहता है और एक बैग और है जिसमें मेरे कपड़े रहते हैं। तो आज मैं साहिबगंज में अपने सारे कपड़े धो के डाला है, उनको रखते हैं। अच्छा और अच्छा। मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे एक बैग और आता है। अच्छा अच्छा, इसलिए थोड़ा सा खाली लग रहा है। हाँ, इसलिए खाली लग रहा है, ये उसका भर जाता है, ये भी भर जाता है, ये भी। और यहाँ पे और इसको ऑपरेट कैसे करते हैं आप, पीछे से एक बार थोड़ा सा ऑपरेट करके दिख। इसको मैं ऐसा थोड़ा ऐसे करता हूँ। अच्छा। यहाँ पे सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिक बन रही है उसका रीडिंग सारी है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। और यहाँ पे वो इंडिकेटर है, कई बार कोहरा आ जाता है तो ट्रैफिक यदि हाईवे से गुजरो तो उनको इंडिकेटर करता है। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है और अच्छा। किताब का नाम है फ़कीर की दुनिया, जिसमें मैं तो जिन लोगों ने यूट्यूब पे इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, फ़कीर की दुनिया सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और इनका वेबसाइट भी है ना आपका? हाँ, मेरा वेबसाइट भी है, पर आप फ़कीर की दुनिया यूट्यूब और ये मेरा फेसबुक अकाउंट है, इसमें अच्छा। पूरे कैमरे लाइव चलते रहते हैं एनी टाइम। हाँ, मतलब यहाँ पे भी निकाल दिया, पर अच्छा, आपके इधर की भी जो कार्यक्रम हुआ ना वो भी सब आ गया।
फेसबुक में, ये अकाउंट के अंदर आपको। अच्छा अच्छा अच्छा, और इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पे है atul.choksi और यूट्यूब फ़कीर की दुनिया। सो ये है इनका कुछ बंदोबस्त, देख लीजिए एक बार, मैं पूरा दिखा देता हूँ। और ये आगे का बैनर। अच्छा लगा सर कि आप जैसे लोग मतलब मिले हैं, काम कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत कम टाइम के लिए इस दुनिया में आते हैं, तो ये पूरी दुनिया हमारा घर है और आप सब लोग भाई बहन कहीं ना कहीं हम लोग एक ही परिवार के हिस्से हैं। तो मेरा वही है, मेरा हृदय कहता है कि एक बार मैं अपनी दुनिया को देखूँ। ऐसे तो कोई देख नहीं पाता है। तो जिन लोगों ने सर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैंने पहले ही बता दिया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, और सबसे पहले सर को सपोर्ट कीजिएगा, मुझे बाद में। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद।